मैंने पहले भी कहा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। पिछली बार जब 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा मैं कर रहा था, तब ये तय किया था कि हर मंगलवार को किसान या किसान संगठन, उनसे मैं मिलने का क्रम प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कई बार ऑफिस में बैठ के समस्याएं समझ में नहीं आती। जिनकी समस्या है उनसे सीधे संवाद करना, चर्चा करना, और कोई विषय आए तो उसका समाधान निकालना, ये हमारा कर्तव्य है, धर्म है। और आज मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से आज मैंने भेंट की है, और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं, उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में हैं, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में हैं। किसान की जब फसल आए तब कौन से फैसले होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके बारे में सुझाव हैं। अनेकों सुझाव आए हैं, मैं ऑफिसर्स की टीम के साथ बैठा था, उनको हम वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट करके उनमें से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न हम करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान संगठनों से चर्चा हुई है, और कई निर्णयों के मोदी जी के किसानों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। जैसे अभी अभी पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20 और इफेक्टिव हो गई वो 27.5%। किसानों ने प्रशंसा की कि अच्छा फैसला है। वैसे ही बासमती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाई है, उसकी किसानों ने प्रशंसा की। प्याज का निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40 से घटा के 20% की, किसानों ने प्रशंसा की। और वैसे ही तुअर, उड़द और मसूर सरकार पूरी खरीदेगी, तो कई फैसलों की उनने प्रशंसा की है। और ये संवाद जो हमने प्रारंभ किया है वो सबके मन को भाया है, ये संवाद लगातार जारी रहेगा। हमारे अपने किसानों से हम बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का ईमानदार प्रयास भी हम करेंगे। सर, एमएसपी को लेकर कोई बातचीत हुई? उनके सुझाव आए हैं, उनको वर्कआउट करेंगे। सर, एक बार फिर से समय आ गया है, पराली एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर के रहती है, सरकार ने काफी प्रयास किए कि पराली ना जले। अभी प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक की है, एनजीटी की भी नजरें हैं, कृषि मंत्रालय इसको क्या देख रहा है और क्या अनुसंधान के माध्यम से क्या कुछ पराली का विकल्प? देखो, कई अनुसंधान हुए हैं, आपको पता है, मशीनें बनी हैं जिनके कारण पराली जलानी नहीं पड़ेगी, काट के पराली का जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ बन जाता है, उसका भी हम बेहतर उपयोग करेंगे, और अवेयरनेस क्रिएट करके किसानों को कन्विंस करने की हम कोशिश भी करेंगे।